तो दोस्तों, एक जंगल के अंदर एक लकड़बुक्का का झुंड होता है और वो शेर से काफ़ी जलता है और उसके खिलाफ अपयश फैलाता है। एक दिन शेर एक हिरण का शिकार कर रहा होता है और शिकार के दौरान उसका एक नाखून टूट जाता है। जो लकड़बुक्का का झुंड होता है वो पूरे जंगल में घूम घूम कर खबर फैला देता है कि हिरण ने शेर का नाखून तोड़ दिया है। शेर इस सबसे बेखबर अपनी मील को इंजॉय करता है और झूठन छोड़कर चला जाता है और वो लकड़बग्गे उसी झूठन को उसके बाद खाते हैं। भारत के अंदर भी कुछ ऐसे ही लकड़बग्गे इसरो नाम के एक शेर के झूठन पर पल रहे हैं, लेकिन उसी के खिलाफ अपयश फैला रहे हैं। इसरो के मिशन चंद्रयान 2, जिसे 95% कामयाब माना जा रहा है, उसकी 5% नाकामयाबी को किस प्रकार से कुछ लोग इंजॉय कर रहे हैं, ऐसे भारतीयों और कुछ और लोगों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों, कल चंद्रयान 2 का लैंडर जो पार्ट होता है वो चांद की सतह पर उतरने वाला था, लेकिन 2.1 किलोमीटर की दूरी रह गई थी चांद से। उस समय उससे संपर्क टूट गया। और संपर्क टूटने का क्या मतलब होता है कि अब वो जो लैंडर है वो चांद पर उतर जाएगा लेकिन हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। संपर्क टूटने का ये मतलब होता है। लेकिन जो ऑर्बिटर पार्ट होता है वो आज भी संपर्क में है और वो कई सालों तक चांद की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें भेजता रहेगा। अब इस पूरे मुद्दे पर जो इसरो चीफ हैं श्रीमान सिवान जी, उनका क्या कहना है वो जरा सुनिए। रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन पार्ट, दैट इज द लैंडिंग एंड रोवर, हियर आल्सो देयर इज वी कुड गो अप टू 2 किलोमीटर फ्रॉम 30 किलोमीटर। ओनली दैट फाइनल फेज ओनली दैट वी कुड नॉट डेमोंस्ट्रेट प्रॉपरली बाय द टाइम दैट वी लॉस्ट द कम्युनिकेशन। So that way, that also I would say that it is as 90-95% of the technology demonstration already we have done. So in total, the Chandrayaan 2 mission, it is very close to 100% success. लेकिन पाकिस्तान को इस 5% नाकामयाबी में अपनी जीत नजर आ रही है। पाकिस्तान के साइंस मिनिस्टर चौधरी फवाद हुसैन जो हैं वो भैया ट्वीट पर ट्वीट बरगलाए जा रहे हैं और लिखे जा रहे हैं कि भाई मोदी को कंट्रोल रूम से भागते देखना मिस हो गया। फिर आगे दूसरे ट्वीट में कह रहे हैं कि भाई चांद की जगह भारत का जो खिलौना था वो मुंबई में उतर गया। फिर आगे कहते हैं कि भाई 900 करोड़ भारत ने जो है वो नाकाबिल लोगों पर खर्च कर दिए थे। और फिर आगे कह रहे हैं कि भैया जो काम आता ही नहीं उसमें पंगा क्यों लेते हो। अब थोड़ी सी रियलिटी जान लेते हैं। इसरो के जो चीफ हैं डॉक्टर के सिवान, वो एक किसान के घर में पैदा हुए थे। बचपन में पहनने के लिए पैरों में चप्पल तक नहीं थी। किसान के घर में पैदा हुए थे, खेतों में काम करते थे, कॉलेज जाते थे तो भी खेतों में काम करते थे, थोड़े मेरिटोरियस थे, इस वजह से पिता ने संघर्ष करते हुए उनकी पढ़ाई पूरी करवा दी और उस पढ़ाई के दम पर, अपनी मेरिट के दम पर आज वो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज में से एक इसरो के चीफ बनकर बैठ गए हैं। ये भारत के अंदर मेरिट का जो परिणाम है उसको दिखाता है। जहां भारत का स्पेस प्रोग्राम 1962 में शुरू हुआ था विक्रम साराभाई के नेतृत्व में, वहीं पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम जो था वो हमसे एक साल पहले 1961 में शुरू हो गया था डॉक्टर अब्दुल सलाम के नेतृत्व में। इन लोगों ने उस इतने बड़े साइंटिस्ट को फुटबॉल का कोच बना दिया और वो देश छोड़कर चले गए और इसके बाद उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। वहीं हमने अपने साइंटिस्ट के साथ इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई और आज इसरो क्या कर रही है, कैसे मंगल पर हम पहले ही स्टेप में पहुंच गए वो दुनिया जानती है। अभी चाइना की मिसाइल पर हरा सफ़ेद रंग पोतकर पाकिस्तान लिख देने वाले लोग हम पर हंस रहे हैं, लेकिन इनकी जो असलियत है वो आज भी गधे बेचने से आगे नहीं बढ़ पाई है। ज़रा देखिए, महकमा लाइफ स्टॉक खैबर पख्तूनख्वा का मानसेरा और डीआई खान में गधों के फार्म्स बनाने का फैसला सामने आया है। जी बिल्कुल, महकमा लाइफ स्टॉक खैबर पख्तूनख्वा काफी अरसे से इस पर काम कर रहा था। जो अभी अहम पेशकश हुई है उसके मुताबिक मानसेरा और डीआई खान के मकाम पर 2 फार्म्स बनाए जाएंगे जिनमें गधों की अफजाइश होगी और ये फार्म जो है ये गैर मुल्की पार्टनरशिप से बनाए जाएंगे और इसमें चाइनीज कंपनी जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्पी रखती है। लेकिन चलिए भाई, ये तो पाकिस्तान है, इनसे क्या उम्मीद रखते हैं हम। लेकिन जो नासा है उन्होंने इसरो को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि भाई इसरो ने हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है। अब ये नासा जैसी एजेंसी इसरो के बारे में ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि नासा को पता है कि भाई एक स्पेस मिशन क्या होता है। नासा ने चांद पर उतरने से पहले 10 अटेम्प्ट लिए थे जब उसका इम्पैक्ट मिशन जो था वो चांद पर
उतर पाया था। वहीं सोवियत ने करीब 5 अटेम्प्ट के बाद अपना लूना 2 जो मिशन था उसको चांद पर उतारा था। वहीं भारत का चंद्रयान 1 जो था वो भैया पहले अटेम्प्ट में ही 100% कामयाब रहा और चंद्रयान 2 जो है वो भी 95% कामयाब रहा है। अब ऐसे में इन पाकिस्तानियों से क्या उम्मीद हम कर सकते हैं, ये अपना गधे बेचकर ही अपनी जीडीपी बढ़ाते रहेंगे। लेकिन बात सिर्फ पाकिस्तान की थोड़ी है भाई, हमारे यहाँ तो लिब्रांडोज बैठे हुए हैं, हमें उनसे भी जूझना पड़ता है। तो भारत के अंदर बैठे कुछ लिब्रांडोज कैसे चिल्ला रहे हैं इसरो साइंटिस्ट के ऊपर, एनडीटीवी के एक पत्रकार हैं जिनका नाम है पल्लव बागला, वो किस प्रकार से इसरो साइंटिस्ट के ऊपर चिल्ला रहे हैं इस मिशन की 5% नाकामयाबी के बाद, वो जरा देखिए। Normally, when something goes wrong, the chairman comes to announce all this. Why is the chairman not here? Please, why is Dr. Sivan not here to face the press? ISRO tradition is when things go wrong, the chairman comes. It's not somebody junior. और ये ऐसे महान पत्रकार हैं जिनको ये तक नहीं पता कि भैया चंद्रयान 2 जो था वो अनमैन्ड मिशन था। जरा सुनिए कैसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं इसरो चीफ से। सर, ये लॉन्चिंग चंद्रयान 2, सो हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स आर वी कैरिंग इन चंद्रयान 2? नो, द चंद्रयान 2 इज नॉट अ एस्ट्रोनॉट मिशन, इज अ अनमैन्ड मिशन एंड देयर इज नो मैन ट्रैवलिंग इन दिस मिशन and also every activity is autonomous and automatic. अब ऐसे बंदे को बचाते हुए एनडीटीवी के जो चीफ हैं प्रणव रॉय, वो भैया कह रहे हैं कि इसरो की ग्रोथ में जो भैया पल्लव बागला जो हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। अब आपको स्क्रीन पर पल्लव बागला के द्वारा एक इसरो साइंटिस्ट जो हैं उनकी खींची हुई फोटो दिख रही होगी। ये फोटो जो है वो गेटी इमेजेस जो हैं उस पर $500 में बिक रही है। कैसे बिक रही है, कैसे नहीं बिक रही, ये आप खुद सोच लीजिए, हम नहीं जानते। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि भैया कितना बड़ा हाथ है इसरो की ग्रोथ में एनडीटीवी के जर्नलिस्ट का। लेकिन ये पहली बार थोड़ी हुआ है ऐसा। पुलवामा पर जब हमला हुआ था जिसमें भारत के 40 से ज़्यादा जवान जो थे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उस दौरान एनडीटीवी की एक जर्नलिस्ट थी वो कह रही थी हाउ इज द जैश। लेकिन ये जो बात है भैया वो पाकिस्तान और एनडीटीवी से काफी आगे बढ़कर है। कृष्ण प्रताप सिंह हैं, ये कह रहे हैं कि भैया जो मिशन था वो फेल हो गया है चंद्रयान 2, और अब ना आप जाकर सो जाओ, जितने भी जुमला पत्रकार हैं वो सारे जाकर सो जाओ। अब इस आदमी की बायो में आप जाकर देख सकते हैं कांग्रेस से रिलेटेड हैं या नहीं है, आप खुद जाकर बायो में देख लीजिए। अतुल खत्री जी हैं, वो ऐसे मुद्दे के बावजूद भी सिर्फ मोदी के ऊपर पॉटशॉट लेते दिख रहे हैं। बीबीसी हिंदी जो है वो यहाँ पर भी वंदे मातरम पर कटाक्ष कस रही है। लेकिन इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि भैया जब कांग्रेस का समय चल रहा था तो ए राजा जैसे लोग थे उनको पीठ पर थपकियां मारकर शाबाशी दी जाती थी कुछ इस तरीके से। इज अ पैट जस्ट अ पैट, द प्राइम मिनिस्टर्स फ्रेंडली जेस्चर टुवर्ड्स द मैन हु एम्बैरस्ड द गवर्नमेंट एंड ब्रॉट पार्लियामेंट टू अ स्टैंडस्टिल डिडन्ट फेल टू रेज आईब्राउज। और वहीं आज इसरो चीफ को शाबाशी मिली है कुछ इस तरीके से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन को गले लगाते हुए, पीठ थपथपाते हुए, हौसला बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अंत में मैटर करती है प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के जो वैज्ञानिक थे उनके साथ कैसे मुलाकात की, किस प्रकार से बात की, उसको जरा हम आपको दिखा देते हैं। आपके हौसले पर भरोसा है, दरअसल मैं आपको उपदेश देने नहीं आया। मैंने सुबह सुबह आपके दर्शन, आपसे प्रेरणा पाने के लिए किए। अपने आप में प्रेरणा का समंदर है, प्रेरणा का जीता जागता सबूत है। और इसलिए इस प्रेरणा की पल है मेरे लिए, जहां निराशा को वैज्ञानिक मन आशा में परिवर्तित। बाय द वे, जो लेटेस्ट न्यूज है उसके अनुसार जो लैंडर था जो चांद पर उतर गया था लेकिन उससे संपर्क टूट गया था,
उसकी लोकेशन चांद के ऊपर क्या है वो मिल गई है। वो जो हमारा ऑर्बिटर था उसने फोटो खींच के भेजा है कि भैया इस लोकेशन पे हमारा लैंडर गिरा हुआ है। अब उसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इससे संपर्क शायद साधा जा सकता है, तो उसके बाद ये जो मिशन है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल भी हो जाएगा। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा पाकिस्तान की छटपटाहट, किस प्रकार से पाकिस्तान जो है भारत की छोटी छोटी नाकामयाबियों से अपने आप को तसल्ली देता रहता है, खुश होता रहता है, और भारत के अंदर मौजूद जो लिब्रांडोज हैं उनको भारत की छोटी सी नाकामयाबी के बाद कितना अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें हमने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई हैं। अब हमारा जो काम था वो सिर्फ दर्शन कराने तक था, आगे जो तपस्या है वो आपको करनी है। अब इस तपस्या का भैया फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लिब्रांडों को अकल आएगी या नहीं आएगी, ये तो हम नहीं जानते। हम बहुत इनोसेंट काइंड के पर्सन हैं, आपको काफ़ी पता होगा, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताइए इस वीडियो के बारे में, आप इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा लीजिए। साथ ही साथ हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं, एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आई बटन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक हमने दिया हुआ है। पेट्रियन पर सपोर्ट जरूर करें, बहुत वांछनीय है। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।